आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है, 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है, आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है, तो आप अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और मेरा यही कहना है, ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की, रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति नियमों और आदर्शों का पालन किया था, और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जोहार। तो पहले सुनीता केजरीवाल और उसके बाद अब कल्पना सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया है, महागठबंधन की रैली को संबोधित किया है और आरोप लगाया कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और बाद में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि वे महिला और आदिवासी समाज की आवाज है। तो कल्पना सोरेन को आपने यहां पर सुना, इससे पहले सुनीता केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल का संदेश जनता के बीच रख रही थी और किस तरह से दोनों ही महिलाएं यहां पर आपने देखा कि ये कहती नजर आए कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम झुकेंगे नहीं। Z News।